जी हमारी मांग है कि JBT पद के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दी है कि इसमें BEd भी कंसिडर किए जाएंगे, BEd भी JBT बन सकते हैं, जिन्होंने BEd की डिग्री ली है वो भी JBT बन सकते हैं। लेकिन जो हमारे साथी JBT और DLED के प्रशिक्षु है वो इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि यदि JBT पद के लिए BEd को कंसिडर किया जाता है तो जो JBT धारक है उनका जो भविष्य है वो अंधकार में पड़ जाएगा। जो अभी मेन मुख्य जो मुद्दा है वो हमारा यही मुद्दा है, Level 1 कक्षा 1 से 5 के लिए सिर्फ JBT और DLED ही कंसिडर किया जाए। हमारी मांग वो नहीं है जो NCT में बनाई गई है, कक्षा 1 से 8 तक DLED पढ़ाएंगे, हमारी वो मांग नहीं है। जो चलता आ रहा है काफ़ी समय से, कई सालों से, कि JBT के लिए JBT ही कंसिडर है, ऐसी क्या आफत आ गई कि कानून और नियम चेंज करने पड़े? क्या हिमाचल प्रदेश सरकार के पास JBT DLED प्रशिक्षु नहीं थे तब कर सकते हैं? जब यहाँ पर बेरोजगार की इतनी बड़ी फौज खड़ी है तो या तो फिर इनको डाइट भी बंद कर देने चाहिए, ताकि यहाँ पर इतने सारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो सके। वो सिर्फ मात्र BEd करेंगे। जब BEd को कंसिडर किया गया है तो मेरा यही मानना है कि जब तक फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता, हमें 10 दिन लगे, 20 लगे, साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, हम पीछे हटने वाले में से नहीं है। या करके आएंगे या मर के आएंगे। क्योंकि हम संख्या की बात करते हैं तो 1.5 लाख के करीब जो BEd धारक इस समय हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया है, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये लगातार चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो फैसला है हमारे पक्ष में नहीं आता। हम दोबारा से रीट करेंगे, हाई कोर्ट में भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और कल हम सचिवालय भी जा रहे हैं, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना है, उनसे भी बात करनी है कि सरकार का रुख अब JBT के प्रति कैसा है। क्योंकि पहले भी माना था सरकार ने कि हमारा जो पक्ष रहेगा वो JBT के साथ ही रहेगा। उन्होंने दलील भी दी थी उच्च न्यायालय में कि जो JBT के लिए वो JBT और DLED ही कंसिडर किए जाएंगे। और बात है एक न्याय की, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देश एक और न्याय अनेक। राजस्थान में 25 तारीख को जजमेंट आई, वहाँ पे BEd को बाहर किया गया Level 1 कक्षा 1 से 5 के लिए। तो हम चाहते हैं कि उसी तर्ज पर जो है हरियाणा के तर्ज पे है, हमारा पश्चिम बंगाल के तर्ज पर है, राजस्थान के तर्ज पर है, हिमाचल में JBT से BEd को बाहर क्यों नहीं किया जाता? ऐसी कौन सी यहाँ पर कंडीशन लग गई कि यहाँ पर जब हमारे हिमाचल में बहुत सारे प्रशिक्षु अभी प्रशिक्षण ले चुके हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार खड़े बेचारे, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा और ये आगे आगे उग्र आंदोलन होता रहेगा। यदि इसमें सरकार या उच्च न्यायालय है हमारे पक्ष में जब तक फैसला नहीं देती तो तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और हो सकता है जो हमारे पास जो कागज़ पकड़ाए हैं 2-2 साल के संस्थान ने, JBT और DLED के जो इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट है या डाइट है, तो वो कागज़ भी जिसे डिप्लोमा कहते हैं वो भी हम सरकार को सौंप देंगे लास्ट में, क्योंकि वो हमारे काम के तो फिर है नहीं। तो ये डाइट भी फिर बंद कर दिए जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं प्रशिक्षु, वो भी कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं साफ तौर पर, जो भी डाइट्स में है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है उसमें जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनसे मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि आप किसी भी प्रकार का जो हमारे प्रशिक्षु है, साथी है बेचारे, उन पर किसी तरह का दबाव ना बनाएं। क्योंकि अभी मैंने देखा गेट के बाहर प्रिंसिपल सड़क पे भी आए थे कि जी क्लास में चलो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। अरे अपने अधिकार के लिए बोलने के लिए भी अगर हमें इतना कुछ सहन करना पड़ेगा तो हम कहे कब? हमारा देश जो आज़ाद है फिर आज़ादी किस काम की है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स दिए गए हैं, उसका हनन कर रहे हैं ये लोग। तो मैं चाहता हूं कि ये भी हमें कॉपरेट करें, हम भी कॉपरेट करेंगे। ये जो 26/11/2021 को जो कोर्ट के द्वारा फैसला आया है, उससे जो JBT के छात्र है वो बहुत ही नाराज़ है। वो जैसे उन्होंने BEd को इसमें JBT में कंसिडर किया है, उससे JBT में बहुत ही आक्रोश आ रहा है। JBT वाले स्टूडेंट में वो पूरे प्रदेश में क्लासों का बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे सरकार को एक सोचना चाहिए कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए।